हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे थ्री मोमेंट थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। तो अपन एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर गिवन बीम बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट। तो ये दो स्पान का क्वेश्चन है अपने पास, ए बी और बी सी। ए बी स्पान पे पॉइंट लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन और बी सी स्पान पे 1 किलो न्यूटन पर मीटर। ए से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर है और यहाँ से बी तक का डिस्टेंस 4 मीटर है और बी सी स्पान का लेंथ है 4 मीटर। अपने पास ये प्रॉब्लम हो गया। तो थ्री मोमेंट थ्योरम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने पास कुछ स्टेप हैं, उनको अपन देख लेंगे। ये है स्टेप फर्स्ट अपना है, कैलकुलेट फ्री बेंडिंग मोमेंट अंडर लोड। और सेकेंड स्टेप है, ड्रॉ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और थर्ड स्टेप में अपन करेंगे अप्लाइंग थ्री मोमेंट थ्योरम टू फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट। और फोर्थ स्टेप में अपन देखेंगे स्केच द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और फिफ्थ स्टेप है कैलकुलेशन फॉर सपोर्ट रिएक्शन। और सिक्स्थ स्टेप है अपना सबसे लास्ट स्टेप, ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ अपना क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो अपन चलते हैं फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप अपना क्या है, कैलकुलेट फ्री बेंडिंग मोमेंट अंडर लोड। और सेकेंड स्टेप अपना क्या है, सबसे पहला स्टेप कर लेते हैं एक बार में। फर्स्ट स्टेप करने के लिए आप सबों को पता होना चाहिए, ये मोस्टली 3 कंडीशन अपने पास यूज होता है। W किलो न्यूटन लोड लग रहा है सेंटर पे, या सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L बाई टू है और इधर का भी L बाई टू है। तो यहाँ पर फ्री बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा W L अपॉन 4 और ये ट्रायंगल शेप का इसका डायग्राम बनता है। और सेकेंड केस है, ये सेंटर पे ना लग करके यहाँ से यहाँ तक का लेंथ A है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ B है, तो इसका हो जाएगा W A B अपॉन L। और जिस पॉइंट पे ये लोड लग रहा है वहाँ पर मैक्सिमम होता है, वहाँ से कर्व चेंज हो जाता है। अब आते हैं थर्ड कंडीशन में, UDL है W किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसका डायग्राम पैराबोलिक बनता है WL स्क्वायर बाय 8। तो अपन इस प्रॉब्लम में देखेंगे ये केस और ये केस, ये दो केस यूज होने वाला है। तो अपन यहाँ याद कर ले, इस वाले के लिए क्या था WAV अपॉन L और इसके लिए क्या है WL स्क्वायर बाय 8। तो अपन सॉल्व करने से पहले ये थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। स्पेस में यहाँ पर फर्स्ट वाला होगा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और सेकेंड अपन बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और सबसे आखिरी में बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम। तो अपना पहला स्टेप क्या था, ये पहला स्टेप है अपना कैलकुलेट फ्री बेंडिंग मोमेंट अंडर लोड। तो अलग अलग स्पान के लिए अलग अलग फ्री बेंडिंग मोमेंट होगा। तो अपन चलते हैं सबसे पहले स्पान ए बी में। स्पान ए बी में देखेंगे फ्री बेंडिंग मोमेंट एट डी। डी पॉइंट पर लोड लग रहा है तो डी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो वहाँ के लिए ये फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए बी अपॉन एल। तो डब्ल्यू तो दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन, 3 रख दिए। ए का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का है 2 मीटर, ये 2 रख दिए। और यहाँ से बी लेंथ है 4 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4 अपॉन में एल 6। तो इसको सॉल्व करने के बाद 4 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अपन स्पान बी सी में चलते हैं। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट एट ई, मतलब सेंटर पे मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम वाला ही अपन अभी निकालते हैं। तो एम ई क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। डब्ल्यू यहाँ पर 1 किलो न्यूटन पर मीटर है तो 1 रख दिए। एल स्क्वायर तो एल यहाँ से यहाँ तक 4 है, 4 स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 2 किलो न्यूटन मीटर। अपना सेकेंड स्टेप आता है, ड्रॉ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अपन ने जो ये कैलकुलेशन किया है इसके लिए जो है फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपन बनाएंगे। अभी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं अपन अभी सीखते हैं। तो ये वाला लाइन एक पहले खींच देंगे इसके पैरेलल, ये जो बीम दिया हुआ है इसके पैरेलल में ये लाइन खींच दी है। अब अपना क्या था, डी वाले पॉइंट पे, ये देखें डी वाले पॉइंट पे 4 किलोमीटर। तो अपन डी वाले पॉइंट पे मैक्सिमम बना देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। और यूडीएल के लिए क्या होता है, पैराबोलिक बनता है। तो अपन ये मिड पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो यहाँ सेंटर वाले के लिए जो है अपन पहले से निकाल रहे हैं फ्री बेंडिंग मोमेंट एट ई, एम ई इक्वल टू 2 किलो न्यूटन मीटर।
तो यहाँ लिख दे अपन 2 किलोन्यूटन मीटर, यहाँ अपने को कितना लिखना है 4 किलोन्यूटन मीटर। मतलब कि इस डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है 4 किलोन्यूटन है और यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 2 किलोन्यूटन मीटर। तो कुछ इसका प्रॉपर्टीज अपन निकाल लें जो थ्री मोमेंट थ्योरम में लगना है। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वाले डायग्राम, मतलब ये वाला ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बड़ा सा, तो इसका एरिया अगर निकालना चाहे तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 × बेस। बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक 6 × हाइट, हाइट कितना है 4, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 यूनिट लिख लें यहाँ पर। अब दूसरा क्या काम आने वाला है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं होगा, तो अपने को देखने से यह पता चलता है लगभग यहाँ पास होगा, तो इसको G1 देते हैं। और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है डिस्टेंस, यानी कि ए से यहाँ तक का, तो उसको एक्स बार से डिनोट कर लेते हैं। एक्स बार क्या हो जाएगा अपना, इसके लिए फार्मूला होता है स्पान का लेंथ, तो स्पान का लेंथ है 6 प्लस में यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यानी कि 2, स्पान प्लस 2/3, ये फार्मूला है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3। इसके लिए एरिया जब निकालेंगे तो एरिया क्या होता है पैराबोला का एरिया होता है 2/3 बेस इंटू हाइट, बेस है अपने पास 4 और हाइट है 2, तो ये क्या हो जाएगा 16/3। और इसके लिए एक्स बार अगर निकालते हैं तो एक्स बार यहाँ सी जी तो इसका यहाँ पर होगा, तो इस समय जब एक्स बार निकालेंगे तो यहाँ से लेंगे डिस्टेंस, तो एक्स बार क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। अब क्या है, अपन आते हैं सेकेंड स्टेप अपना पूरा हो गया, इसके बाद सीधे आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप अपना क्या है, अपना थर्ड स्टेप है अप्लाइंग थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट। तो थ्री मोमेंट का इक्वेशन ये है अपने पास, ma l1 प्लस 2 mb l1 प्लस l2 प्लस mc l2 इक्वल टू के इधर साइड अगर लिखेंगे पूरे पार्ट को तो माइनस का साइन यहाँ लिए हैं, और ये फॉर्मूला है 6a1x1/l1 प्लस 6a2x2/l2। अपन यहाँ थोड़ा समझ लेंगे कि इस फॉर्मूला में ये ma क्या है, ma अपने को यहाँ पर है यहाँ का मोमेंट, और l1 यहाँ से फर्स्ट स्पान का लेंथ, और l2 है सेकेंड स्पान का लेंथ, और mc यहाँ का मोमेंट, और mb यहाँ का मोमेंट। ये एरिया a1 जो है फर्स्ट वाला डायग्राम जो अपना बना है ये एरिया हो गया, और a2 है सेकेंड वाला डायग्राम जो है उसका एरिया, और x2 है cg यहाँ से आखिरी से c से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, और x1 अपना था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, L1, L2 तो पता है। तो MA क्या हो जाएगा इस वाले में, अपन ये देख रहे हैं कि MA और MC ये दोनों सिंपली सपोर्टेड है, और MB भी सिंपली सपोर्टेड, लेकिन ये बीच में आता है तो इसको सिंपली सपोर्टेड नहीं मानेंगे, इसलिए MA और MC यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अपन वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूला में, तो वैल्यू रखते हैं तो MA का वैल्यू कितना है जीरो इंटू L1 कितना है, L1 यहाँ से यहाँ तक का पूरे स्पान का लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो L1 कितना है अपने पास 6 प्लस 2 mb, mb अपने को पता नहीं है अभी तो mb लिख लेते हैं। L1 है अपना 6 प्लस L2 है 4 प्लस में ये 0 mc और L2 का वैल्यू है 4, इधर साइड लिखते हैं माइनस का साइन एक लगाएंगे और कोस्ट में 6 × a1। A1 क्या लिखना है अपना, फर्स्ट वाला डायग्राम जो है उसका एरिया, मतलब 12, और X1 क्या बताया अपन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये 8/3 निकाल चुके हैं, अपॉन में डालेंगे L1, L1 क्या है 6 प्लस में 6 दूसरे वाले डायग्राम का एरिया 16/3, और X2 2 निकाले अपॉन में L2 अपने पास है 4। ये इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये 6 + 4 × 2 तो ये अपना बनेगा 20 mb इक्वल टू, इसको अगर कैल्सियम में डाल करके सॉल्व करेंगे तो ये इधर साइड आएगा -48, तो यहाँ से अपना mb निकल के आता है इक्वल टू -2.4 किलोन्यूटन मीटर। ये अपना मोमेंट है।
ये मोमेंट निकल गया, तो फोर्थ स्टेप आता है, स्केच द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपन यहाँ मोमेंट निकाल चुके हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ निकालना है, क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कितना आया 2.4, तो किस पॉइंट पे आया, बी वाले पॉइंट पे, तो बी पे 2.4, अपन इतना दिखा देते हैं 2.4, ये हो गया 2.4 किलोन्यूटन मीटर। और इसको क्या करेंगे, फिर ये एम ए और एम सी तो जीरो है, तो यहाँ से जीरो लेकर के ये मिला देंगे, यहाँ भी जीरो है तो इसको इससे मिला दिए। और एक काम इसमें ये करना है कि जो अपन फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले निकाल चुके हैं उसको ऐसे का ऐसे इसमें कॉपी रख कर देंगे। तो कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ अपना ऐसा डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पर कितना है, फिर वापस से लिख देंगे 4 किलोन्यूटन मीटर, यहाँ लिख देंगे 2 किलोन्यूटन मीटर। देखिए अपना फाइनल जो डायग्राम है, ये वाले पार्ट को कलर कर देना है, ये ऊपर ऊपर का पोर्शन अपन इसमें ये शो कर देंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये अपना पॉजिटिव है, ये अपना नेगेटिव आया वैल्यू, इसलिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अपना ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसके बाद का स्टेप क्या है अपना, कैलकुलेशन फॉर सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन तो ए पे सपोर्ट है, बी पे है, सी पे है, तो ए का रिएक्शन निकालना है, बी का रिएक्शन निकालना है और सी का रिएक्शन निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी लेफ्ट साइड ले लेंगे। लेफ्ट साइड अगर लेंगे तो क्या होगा, आर ए, ए पे मान लेते हैं आर ए रिएक्शन है, तो आर ए इंटू 6, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 6। ये अपन यहाँ साइन कन्वेंशन जो यूज करेंगे, जो लोड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो ऊपर से नीचे आएगा उसको निगेटिव में लिखेंगे। तो आर ए इंटू 6 और माइनस, ये 3 लोड ऊपर से आ रहा है, 3 इंटू 4 इक्वल टू जो इसका मोमेंट निकाल चुके हैं बी वाले पॉइंट का, वो लिख देंगे। बी वाले पॉइंट पर मोमेंट अपना कितना है, ये है -2.4, तो -2.4। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा आर ए इक्वल टू 1.6 किलोन्यूटन। फिर क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी राइट साइड, राइट साइड अगर लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये फोर्स, ये आर सी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो आर सी इंटू यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4, और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये यूडीएल जो है ऊपर से आ रहा है, यूडीएल में कितना लोड है, टोटल टोटल लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लोड अपना क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, ये अपना लोड हो गया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेते हैं यूडीएल में मिड से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, मतलब मिड 4 का हाफ, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या है अपना -2.4। इसको अपन यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर सी आ जाएगा अपना 1.4 किलोमीटर, ये अपने पास आर ए आ गया, ये अपने पास आर सी आ गया। और अपन आर बी निकाल लेंगे, आर बी निकालने के लिए देखो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी कितना, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तीनों, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो लोड ऊपर से आ रहा है, ऊपर से लोड कितना आ रहा है 3 किलोन्यूटन, 3 किलोन्यूटन आ रहा है, प्लस में 1 इंटू 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लोड 1 इंटू 4, तो ये दोनों को ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो अपन ये आर ए निकाल चुके हैं, आर ए का वैल्यू लिख दो 1.6, आर बी को आर बी रहने दो और आर सी को ये अपन निकाले हैं 1.4 इक्वल टू 7, तो यहाँ से आर बी अपने पास निकल के आएगा 4 किलोमीटर। तो देखें तो यहाँ अपने पास निकल गया आर ए, आर सी और आर बी, तो फाइनल लिख लेते हैं। एम ए अपने पास क्या निकला था, 0, एम बी क्या निकला था -2.4 किलो न्यूटन मीटर और एम सी निकला 0, आर ए क्या निकला है 1.6 किलो न्यूटन और आर बी क्या निकला है 4 किलो न्यूटन और आर सी क्या निकला है 1.4 किलो न्यूटन। ये अपना स्टेप हो गया।
अब लास्ट स्टेप है ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम अपन आखिरी में सबसे नीचे का जो छोड़े हैं जगह यहाँ करेंगे। तो अपन शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जो अपन रिएक्शन निकाले हैं ये लिख लेंगे। 1.6 यहाँ है ए वाले पे, तो यहाँ लिख लो 1.6 किलोन्यूटन। ये अब आर बी कितना है 4 किलोन्यूटन, यहाँ लिख लो 4 किलोन्यूटन। और आर सी लिख लो 1.4 किलोन्यूटन। ये देखते हैं यहाँ ये 1.6 ऊपर की तरफ, यहाँ भी वही साइन कन्वेंशन, जो ऊपर की तरफ लोड जा रहा है ना उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो नीचे की तरफ जाएगा उसको निगेटिव। तो यहाँ अपन देख रहे हैं 1.6 ऊपर की तरफ, तो 1.6 ऊपर की तरफ बढ़ा लो, ये लिख दो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर। तो यहाँ जो है ना यूनिफॉर्मली जाएगा, मतलब चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ पर होगा, जहाँ पर लोड आ रहा है ऊपर से या नीचे से। तो ऊपर से यहाँ आ रहा है 3 किलोमीटर, तो 1.6 लिए, और ऊपर से आ रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ 3, तो क्या आया -1.4। तो -1.4 मतलब कि ये नीचे जाएगा 1.4, नीचे ले आते हैं, यहाँ तक लाए, यहाँ तक का वैल्यू कितना है 1.4। फिर यहाँ से यूनिफॉर्मली जाएगा, कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से चेंज होगा इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ तक ऐसे ले आओ। फिर यहाँ क्या है, यहाँ तक तो 1.4 है, तो ये वैल्यू -1.4 है, ऊपर जा रहा है तो प्लस साइन लगाएंगे ऊपर की तरफ में, इसी जो वैल्यू कैलकुलेशन में जो अपना था -1.4 उसी में प्लस दबाए और प्लस का साइन करके 4 दबाए, तो आया 2.6। यहाँ पॉजिटिव साइन है 2.6, तो ऊपर की तरफ दे दो, यहाँ मान लो 2.6 आ रहा है ये। अब अपने पास ये 2.6 आ गया, 2.6 किलोमीटर। अब क्या था यहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा था तो यहाँ सडनली चेंज हो गया, पर यहाँ तो हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ लोड लग रहा है, तो हर एक पॉइंट पे चेंज हो जाएगा, तो हर एक पॉइंट के लिए तो अपन निकाल नहीं सकते हैं आसानी से, तो क्या करेंगे सी पॉइंट पे निकाल लेंगे। तो सी तक में कितना लोड है अपने पास, 4 × 1 मतलब 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक लोड है। तो 2.6 माइनस में 4 दबाएंगे, आया -1.4 मतलब नीचे लाएंगे, ये 1.4 किलोमीटर नीचे। ये इससे करते गए, इधर से गए तो 1.4, अपना फाइनल जो निकाले हुए थे वो भी निकला था, मतलब 1.4। तो इसका मतलब अपन जो शियर फोर्स डायग्राम बनाया है वो सही है। इसको ऐसे मिला दें और इसको कलर कर देते हैं दिखाने के लिए। हाँ, इसको क्रॉस चेक करने के लिए अपन ये भी कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे कितना 1.6 दिख रहा है, 1.6 है कि नहीं यहाँ पर रिएक्शन। अब इस पॉइंट पे आते हैं तो ऊपर तो 1.6 है और नीचे कितना है 1.4, दोनों को ऐड करने के बाद 3 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है मतलब सही है। ये ऊपर कितना 2.6 और नीचे कितना है 1.4, तो दोनों को ऐड करने के बाद 4 आ रहा है, सही है। और यहाँ 1.4 है तो यहाँ भी 1.4 है, इसका मतलब अपना शियर फोर्स डायग्राम है। ये पूरा क्वेश्चन अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन।